ईरान को भी अच्छा कहता हूँ, चाइना को भी अच्छा कहता हूँ, अमेरिका को भी अच्छा कहता हूँ, मैं तो सबको अच्छा कहता हूँ। सिर्फ एक अगर मैं कहता हूँ बुरा तो वो हिंदुस्तान को कहता हूँ। जी भारत का मुकाबला कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सर हम भी एटमी पावर हैं। अगर भारत एटमी पावर है तो हम भी एटमी पावर हैं। ऐसी हमारा मुल्क बहुत छोटा है, उनका बहुत बड़ा है, तो कोई ऐसी बात नहीं। हमारा कम नुकसान होगा, उनका ज्यादा होगा। कैसे? मुल्क तो छोटा हमारा, हमारे तो एक पूरे पाकिस्तान जितना उनके एक स्टेट है। तो कोई बात नहीं, एक स्टेट है वो। हम तो जब जंग होती है ना बेटा, तो हर चीज को टारगेट किया जाता है, किसी एक को नहीं होता। जंगों में नहीं हमने मात देनी, मईशत की बात करें। मईशत की बात यही है, मैं उसमें आपको ये बता रहा था कि अगर हमारे सियासतदान आपस में सर जोड़ लें तो कोई ऐसी बात नहीं कि हम भारत क्या दुनिया की किसी भी ममालक को मात दे सकते हैं। दे सकते हैं अभी? हाँ जी दे सकते हैं, क्यों भारत नहीं दे को अभी? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? चाइना हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, हमारे हमसाया ममालक है, ईरान हमारा दोस्त है। अगर उनमें इधर हमारा दुश्मन है तो वो हिंदुस्तान है। ईरान ने फिर क्यों जो है वो आपके ऊपर बम फेंके बलोचिस्तान में, अगर वो हमारा दोस्त है? अफगानिस्तान क्यों कहते हैं हमारे दोस्त नहीं है, हमें जंग करनी पड़े हम कर लेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान को ही टारगेट करके हम बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं, अब उसमें चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फिर युवा हो, हर कैटेगरी के लोग हमेशा भारत के बारे में उल्टी सीधी राय ही रखते हैं। एक चाचा हैं पाकिस्तान के, जिनका कहना है कि मैं पूरी दुनिया के जो देश हैं उनको अच्छा कह सकता हूँ लेकिन भारत को अच्छा नहीं कह सकता हूँ। इसके अलावा चाइना के बारे में इनका क्या सोचना है, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो को लेकर। आस पड़ोस में हमारी किसी के साथ भी नहीं बनती है बेटा। हमने जितनी अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं ना, ये भी आपको पता है। ईरान के लिए जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं ये भी आपको पता है। हमारे लोग जब वहाँ पे ज़्यारतें करने जाते हैं, रास्ते में जो ईरानी लोग हैं उनको मार देते हैं। जिस तरह अब जो आप बता रही हो कि उन्होंने क्यों टारगेट किया, अगर हम लोगों ने उनके लिए कुर्बानियाँ दिया, वो फिर हम उनके मुँह से हमारे लिए एक तारीफ का बोल ही निकलता। आपने चाइना की बात की है, आपको पता है रिसेंटली चाइना ने तो वहाँ पर हमारी नाउजुबिल्ला 700 मस्जिदों को शहीद किया है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्या स्टिल चाइना को आप उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलेंगे अभी? नहीं नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे जहाँ पे कोई, जो भी बंदा, जहाँ पे मुल्क हो, दुनिया में कोई भी मुल्क हो, अगर वो किसी जगह पे गलत है तो वो गलत है, लेकिन उसके जो अच्छे इकदाम आता है ना, अच्छों को देखेंगे हम, बुरों को नहीं देखेंगे, क्योंकि पैसे आते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ पैसों की मेरी बात सुने, चाइना ने आपको सीपैक दिया, उनका अपना इंटरेस्ट था, बस ही कर दे। चाइना को इतना अच्छा नहीं है जो पाकिस्तान को हर कुछ दान कर दे। मैं भी अच्छा कहता हूँ, चाइना को भी अच्छा कहता हूँ, अमेरिका को भी अच्छा कहता हूँ, मैं तो सबको अच्छा कहता हूँ। सिर्फ एक अगर मैं कहता हूँ बुरा तो वो हिंदुस्तान को कहता हूँ। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए एक तो आप, उन्होंने हमारे सारे के सारे बॉर्डर बंद किए हुए हैं। 2019 में हमने खुद बंद किए थे, इमरान खान की अपनी स्पीच आई है। मेरी बात सुने, अगर इस बात पे आई हो ना आप, तो करतारपुर राहदारी इमरान खान ने खोली थी, वहाँ से सिखाते थे, जाते थे, वो किस लिए थे? इसीलिए नहीं आते, अब वो दुबई के जरिए वीज़ा लगवा के आते हैं, क्योंकि अब ट्रेड बॉर्डर वीज़े सब बंद हैं। बेटा अब बंद है ना, इससे पहले तो खुले हुए थे। उन्होंने हमारे 25 बंदों को छोड़ा है जो कैदी थे, हमने उनके 35 बंदों को छोड़ दिया हिंदुस्तान के। कौन कौन से बंदों को छोड़ा हमने? आपको नहीं पता कैदियों को? नाम तो बताएं। इनमें नाम? अभिनंदन की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, अभिनंदन तो वो था ना जो पायलट है फजाई हादसे में। भूषण यादव की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इनके अलावा मैं आपको बताने लगा हूँ। इनके अलावा जो थे ना अपना बैरी जहाज़ों में, जब एक दूसरे की लैंड ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो जाती है ना, ये माहीगीरों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। कराची में जो होती है ना, बिल्कुल साथ साथ ही समंदर है, तो हो जाती है। उन्होंने हमारे आदमी पकड़ लिए, हमने उनके आदमी पकड़ लिए। ये बताएं ये नफरतें कब तक चलाएंगे? 77 साल हो गए हैं, दुनिया आगे की आगे बढ़ गई है, पड़ोसी ममालिक आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस को फरोग दे रहे हैं, हम अभी भी कहते हैं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। भाई अगर हिंदुस्तान, शायद आपको पता नहीं है, वो एक कदम बढ़ाता है ना तो हम लोग दो कदम बढ़ाते हैं। आपको शायद ये भी नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ, जो पहले वज़ीर आज़म था, अब उसका भाई है, उनके घर में खुद नरेंद्र आया था ना, शादी के ऊपर आया था, तो वो अच्छे तलकाती थे तो आया था बेटा, ऐसे कोई थोड़ी आ जाता है। अच्छे तलकाती थे तो आया था ना। तो अब अवाम के दिल में उनके लिए इतनी नफरत क्यों है? बेटा मैं आपको बताता हूँ अवाम के दिल में उनके लिए नफरत क्यों है। कितने सालों कश्मीर अटाटूंक बना हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है भारत कश्मीर के ऊपर, ये आपको नजर नहीं आता? भाई देखिए, दूसरी सरहद पार पे जाते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, वो किसको, वो नहीं देखेगा कोई भी? पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर कौन जुल्म कर रहा है?
कौन जुल्म कर रहा है आप बताएंगे ना, आप तो कोई जुल्म नहीं कर रहा। अच्छा आप खुश है यहाँ पर? अभी मैं आपको आज वीजा दूंगी, आप मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। बेटा वो अलग बात है, देखें। नहीं अलग बात नहीं ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब जिस टाइम पे जिस वक्त पे आप खड़ी हो इतनी आज़ादी से, इंटरव्यू कर रही हो मेरे साथ, गुफ्तगू कर रही हो मेरे साथ, हर मुल्क में होती है। नहीं सुन तो लो बेटा, बात सुनो पहले, बाद में उसका जवाब देना। खड़े हो आप, किसी की जरूरत है, किसी की हिम्मत है कि यहाँ पे आपको हाथ भी लगा दे? नहीं। आपको कैसे पता इस चीज़ का? रोज मैं फेस करती हूँ, आप थोड़ी फेस करते हो। आप करती हो ना फेस। कभी भी मुझे बताओ कि मीडिया की किसी भी बेटी को, किसी भी आम आदमी ने कोई जुमला कसा हो, कोई आवाज दी हो। ये ले अभी आज की बात आपको बताती हूँ। आज भी यहाँ पर हरेसमेंट हुई है, मैंने तो वीडियोस भी अपलोड किया है कि यहाँ के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। ये बात आप छोड़ दे, आप रोज मेरे साथ नहीं। अच्छा, होते मैं खुद करती हूँ फेस सब कुछ। मुझे आप ये बताओ कि आप पाकिस्तानी हो? पाकिस्तानी सच ना बोलूं? नहीं, या बीबीसी की न्यूज कर रही हो? बीबीसी की? हाँ मुझे ये बताओ, न्यूज़कास्टर आप बीबीसी की हो या पाकिस्तान की हो? पाकिस्तान की हूँ, सच ना बोलो। सच बोलो। मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, तो वो भी झूठा आप डिसाइड करेंगे। बताओ लेकिन ये बताओ कि आप जिस चैनल के लिए कर रही हो वो यूट्यूब है? यूट्यूब ने पूरी दुनिया को बताना है। ठीक है, अपने मुल्क बताओ। नहीं नहीं सच बताओ, लेकिन अपने मुल्क का तासर अच्छा दो भाई। जो हो रहा है वो हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं अगर कोई फैक्ट से हट के बात कर रही हूँ तो वो मुझे बताए ना, मैं तो वही बात कर रही हूँ जो हो रहा है। खुद से न्यूज़ थोड़ी बनाऊंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ना करो, लेकिन आप दूसरे ममालिक का भी तो बताओ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपके पास माशाल्लाह एक न्यूज है, उस न्यूज से ये मीडिया भाई का... मेरा टॉपिक था नेवल बेस पे, मेरा टॉपिक था चाइना, अफ्रीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारे इसमें मुलव्वस थे। अब आप एक मुल्क को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको उस पे काउंटर कर रही हूँ। आप जिस मुल्क के बारे में सवाल करोगी उसी का ही मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा। आपने अभी हिंदुस्तान का कहा, मुझे ये बताए टॉपिक आप कहाँ से कहाँ ले गए। चाइना को हम किस तरह बीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बेटे उसकी आबादी देखो चाइना की कितनी है, तुम्हारी सारी 20-22 करोड़ आबादी है और चाइना की आबादी देखो कितनी है। अच्छा। और उनके लोग कितने मेहनती हैं। अच्छा यहाँ पर जैसे ही चाइना की बात आती है, कोई भी पाकिस्तानी बात कर रहा होता है तुरंत सरेंडर कर देता है, लेकिन जैसे ही भारत की बात आती है तो फिर वो कहने लगते हैं अरे वो काफिर है, उनसे तो हम कभी भी लड़ सकते हैं, भारत को हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या गणित ये चाचा लगा रहे हैं कि चाइना की आबादी ज़्यादा है जबकि भारत की आबादी चाइना से ज़्यादा है, तो ये लॉजिक भी यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। मतलब चाइना के सामने घुटने टेकना, उनकी प्रार्थना करना, क्योंकि वहाँ से पैसे आते हैं। चाइना लगातार मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करता है, मस्जिदें तोड़ता है, उनको जो है कैंपों के अंदर डालता है जिससे वो अपना धर्म ना फॉलो कर पाए, लेकिन उसको लेकर कोई भी पाकिस्तान के अंदर बात नहीं करता है। और जिस भी पाकिस्तानी को पता चलता है तो वो कह देते हैं कि चाइना हमारी कितनी हेल्प कर रहा है। मतलब आप पाकिस्तान को पैसे दीजिए, इसके एवज में आप कुछ भी किसी के साथ करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के लोगों को। दूसरा यहां पर ये बात कर रहे थे कि भारत ने इनके सारे बॉर्डर बंद करके रखे हैं, हर तरफ से बॉर्डर जो है भारत से नहीं लगता है, इनको पता नहीं है। अफगानिस्तान की तरफ लगता है, इसके अलावा ईरान की तरफ लगता है, इसके अलावा एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ भारत की तरफ लगता है, तो भारत की तरफ तो आपकी तरफ से बंद किया गया है। तो यहाँ पर जो ये इनका दावा था वो भी यहाँ पर गलत जो है साबित होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 में जाते हैं तो आप कारगिल पे जो है हमला कर देते हो, इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं 2016 में तो आप पुलवामा अटैक करा देते हो। तो आप हमेशा जो काम करते हो, अगर भारत कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो आप सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए काम करते हो, भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए काम करते हो। इसी वजह से भारत ने सोचा कि भैया अब आपसे हाथ जोड़ लिया जाए, आप जैसे हो, भूखे हो, नंगे हो, जिस तरीके से भी रह रहे हो वैसे रहो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर का चूरन आप चाटते रहोगे और पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगते रहोगे, इसमें 100% सच्चाई है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।